बिहार में तो ये व्यवस्था कर दिया कि गोली मारेंगे कपार में तब नौकरी देंगे तुम्हारे परिवार में। आप ये नहीं लगा रहे हो कि एससी एसटी में से कोई मर जाएगा तो उसको नौकरी दे देंगे? पहले मरना पड़ेगा क्या नौकरी के लिए? मत दे आम आदमी पार्टी को कोई वोट, नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी को वोट। लेकिन 15 साल उनके पिताजी ने तो बिहार को बर्बाद किया, जंगल राज चाहे जो भी था, 15 साल उन्हीं के पिता न थे, उनके परिवार में अब परिवार नहीं संभल रहा है। भाई एगो अलग दिशा में चल रहा है, बहन एगो अलग दिशा में चल रही है, माँ एगो अलग दिशा में चल रहा है, चाचा की सरकार हो चाहे भतीजे के पापा की सरकार हो, उन्होंने यहाँ इंडस्ट्री बंद कराने का काम किया है, लगाने का काम नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूँ पंकज भट्ट। इस समय हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने चले हैं जिनकी पार्टी का अन्ना हजारे के आंदोलन से, रामलीला के मैदान से जो हुंकार भरा गया और वो हुंकार दिल्ली की राजधानी में अपनी अग्नि परीक्षा देकर के अपना परचम लहरा रहा है। इतना ही नहीं, अब वो पार्टी दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही है, पंजाब हरियाणा इवन अब बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार जी मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे कि क्या बिहार की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह आप समझ रहे हैं, या दिल्ली का जो दिल्ली की जनता को जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट बिहार की जनता को भी देने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब। और बिहार में आम आदमी पार्टी पिछले 6 सालों से अपने कार्य को कर रही है और आज बलिया प्रखंड के अंदर ये अपना साहेबपुर कमाल विधानसभा जो है अपना आज हम लोग यहाँ पर हैं। मैं पिछले 25 दिनों से हम बदलेंगे बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और आरा बक्सर सासाराम से होते हुए गया जहानाबाद अरवल छपरा होते हुए पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल सहरसा होके कटिहार मधेपुरा होकर आज मैं बेगूसराय पहुंचा हूं और बेगूसराय में मेरी पहली आज जनसंवाद है, लोगों से बातचीत है। हम जिस यात्रा में हम बदलेंगे बिहार यात्रा का नाम हमने रखा है और इस यात्रा का नाम हमने हम बदलेंगे बिहार इसलिए रखा है कि इसमें हम मतलब मैं नहीं, हम मतलब यहाँ के लोग, अगर हम लोग चाहेंगे तो बिहार बदल सकता है। इसमें क्या बदलने की ज़रूरत है मैं उस पर आपको डिटेल से बतलाऊँगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिसको बदलने की नितांत ज़रूरत है। यहाँ पर एक गरीब का बेटा चाहे बेटी अगर सरकारी स्कूल में जाता है तो वहाँ बिना परीक्षा लिए हुए मास्टरों की पहले वैकेंसी की जाती है और उन मास्टरों को भी, चाहे जैसे भी मास्टर थे, चाहे वो कम पढ़े लिखे थे चाहे ज़्यादा थे, वो तो बाद का सवाल है, उनको बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, पढ़ाने नहीं दिया जाता। उनसे मच्छर मारने की दवाई छिटवाई जाती है, उनसे BPL कार्ड बनवाया जाता है, उनसे आधार कार्ड बनवाया जाता है, उनसे वोटर कार्ड बनवाया जाता है, जनगणना करवाया जाता है, उनसे क्वारंटाइन सेंटर चलाया जाता है, उनसे बाढ़ पीड़ितों के लिए किचन चलवाया जाता है, राहत सामग्री बांटवाया जाता है। और हद हो गई, बिहार में तो सरकार ने भी व्यवस्था कर दी कि मास्टर सुबह शाम जाए और खेतों में चेक करे कि कौन लैट्रिन कर रहा है कौन लैट्रिन नहीं कर रहा है। ये मास्टर का काम थोड़ी है, मास्टर का काम था बच्चों को पढ़ाना। तो ये तो एक सिस्टम हो गया। इसमें एक और सिस्टम में कदम और आगे जाते हैं कि बिहार के अंदर सब कोई जानता है कि रोजगार नहीं है और 12.5 लाख बच्चों ने इस बार मैट्रिक का परीक्षा किया, पास किया, और लगभग 14.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया था। हर एक साल का 12.5 लाख 13 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं और पास होते हैं। सिस्टम में इतना लूप है कि प्रदेश में जाइए तो बिना इंग्लिश का आपको नौकरी नहीं मिलेगा और यहाँ आप अगर इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तभी आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। मतलब हम अपने प्रदेश के बच्चों को मजदूर बना रहे हैं। ITI करके गया हुआ बंदा, ग्रेजुएशन करके गया हुआ बंदा एक एप्लीकेशन ढंग से नहीं लिख पाता, उसको नौकरी नहीं मिलता। और बिहार का जब डिग्री लेके जाता है तो दूसरे प्रदेश में लोग कहता है ये खरीद के लाया हुआ है, क्योंकि सिस्टम को इसी तरीके से बना दिया गया है। तो शिक्षा में बदलाव होने की ज़रूरत है और जिस बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा स्वास्थ्य पे चर्चा है कि आज़ादी के 73 साल बाद भी बिहार ने अनेकों बंटवारे देखे। 1936 में बिहार बना, उड़ीसा से अलग हुआ, 2000 ईस्वी में झारखंड इससे अलग हो गया, लेकिन आज बिहार में 8467 पंचायत है। आज किसी भी पंचायत के अंदर एक प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं है जहां लोगों का मुफ्त में इलाज हो सके, चाहे बढ़िया से इलाज हो सके। प्रखंड लेवल पर जरूर कुछ अस्पताल हैं जहां पे कुत्ते मिल जाएंगे लेकिन कुत्ते काटने का दवा नहीं मिलेगा, MLC बनवाने का सिर्फ काम होता है। देश के आबादी का 10% भाग यहां पर, 14 करोड़ आबादी कम से कम बिहार में रहती है, उसके स्वास्थ्य के लिए इतना लचर व्यवस्था क्यों? आज पिछले 30-40 सालों की सरकार सीना ठोक के नहीं कह सकती है कि बिहार में हमने एक ऐसा अस्पताल बनवा दिया जहाँ सभी प्रकार का इलाज मिल जाएगा। हम लोग बिहार के वासी हैं,
सरकार का काम क्या था? अस्पताल बनवाना, लेकिन बनवाया नहीं है। और तीसरा बात है कि जो हम रोजगार युक्त युवा की बात हम कर रहे हैं, 12.5 लाख बच्चे अगर हर एक साल मैट्रिक पास करते हैं तो हम इसी को परफॉर्मा मान लेते हैं, क्योंकि 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ इंटर करते हैं, कुछ ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ अदर्स पढ़ाई के लिए दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, लेकिन उसमें से 1% आदमी के लिए बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार में इलेक्शन होता है, जिस कंसेप्ट पे बिहार में इलेक्शन होती है वो कंसेप्ट साफ दिखता है कि कास्टिज्म की बात होती है। उसको बदलना है ना, एक चीज़ कास्टिज्म की होती है, और अभी तक जितने भी सरकारें आई वो कास्टिज्म की राजनीति करके सत्ता पे पदासीन रही। एक चीज़ सुन लीजिए, और अगर अपने अपने जाति का भी अगर विकास कर लिया होता तो संभवतः बिहार की विकास हो गई होती। आप सोच लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, लालू यादव हो गए, रामविलास पासवान हो गए, स्वयं जनता दल यू के नीतीश कुमार, सुशासन बाबू हो गए, ये सारे लोग कास्टिज्म की राजनीति करके सत्ता पे बैठे हैं, लेकिन अपने ही जाति का विकास नहीं कर पाए। आज सुशासन पे क्या कहेंगे? मैं वही तो बात आपसे बोल रहा था कि आप बोलिए कि जाति का डॉक्टर होता है 50 रुपये कम फीस लेता है क्या? जाति का मास्टर होता है फ्री में हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है क्या? जाति में ना बेटी का विवाह करने जाते हैं, बिना दहेज का विवाह होता है? दहेज प्रथा पे आपने रोक लगा दिया। तो इस सिस्टम को समझने की जरूरत है कि हमको क्या जरूरत है। यहाँ पर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, भ्रष्टाचार पर, किसान पर मुद्दा बनना चाहिए। मैं 5 यात्रा की मैं बातें छोड़ दिया कि चाहे वो चाचा की सरकार हो, चाहे भतीजे के पापा की सरकार हो, उन्होंने यहाँ इंडस्ट्री बंद कराने का काम किया है, लगाने का काम नहीं किया है। यहाँ पे चीनी उद्योग हुआ करता था, जूट उद्योग हुआ करता था, कपड़ा उद्योग हुआ करता था, सब बंद पड़ गया। परौनी का खाद कारखाना कौन नहीं जानता था, बंद हुआ है कि नहीं हुआ है? आप मुझे बताइए कि पिछले 30-40 सालों में एक औद्योगिक क्षेत्र बतला दें जहाँ पर इन लोगों ने डेवलप किया हो। बिहार में अगर 12 लाख बच्चा, 12.5 लाख अगर हर एक साल का मैट्रिक पास कर रहा है, एक पीढ़ी निकल रही है, उस 12.5 लाख बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? इस पे कौन बात करेगा? जात पर बात करने से, अगर इसका आप जात की बात की, आपने बहुत अच्छा कहा पत्रकार के नाते, आपने बात कही कि फलाने जाति के लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो आरक्षण का बात करता है। मैं तो नाम लेता हूँ और बोल्डली लेता हूँ, इसलिए कि ये गलत है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक पार्टी कहती है कि मैं आरक्षण मरते दम तक खत्म नहीं करूंगी, कौन नहीं दूंगा, और आरक्षण में जब 6 सीट मिलता है तो 5 अपने परिवार को लड़ा देता है। चारा खा गया एक पार्टी का नेता, पशुपालन घोटाला कर दिया। पशु कौन पालता है? उसी के जाति के लोग तो पालते हैं, पशु का कौन चारा खाया? तो ये जो तथाकथित जाति के लोग हैं, अगर जाति की राजनीति करके अगर जाति का भी कल्याण कर दिए होते तो आज जाति आगे होती। आज यादव 15%, यादव का नेता कोई बन गया तो कम से कम यादवों के अंदर कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए था, किसी को बीमार नहीं पड़ना चाहिए था, किसी को अनपढ़ नहीं रहना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ हुआ है। अगर पिछले कोड़ी कुर्मियों का शासन, अगर लोग कहते हैं कि 8% उनका संख्या है, तो 8% लोगों को कम से कम कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन है। शिक्षा सबके साथ दिक्कत हुआ है, स्वास्थ्य सबके साथ। आज सीना ठोक के एक आदमी नहीं कह सकता कि मेरा बेटा बिहार से पढ़ा लिखा हुआ है, इसको नौकरी बाहर में मिल जाएगा। वो प्राइवेट में पढ़ा होगा तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन सरकारी में नहीं मिल सकता है। आज की स्थिति हमारी शिक्षा की ऐसी हो गई है। भ्रष्टाचार की मैं चौथा मुद्दा जो हमारा मेन है, रोजगार के बाद भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्या है? पढ़ा लिखा युवा जब जाता है जाति प्रमाण पत्र बनवाने, आवासीय बनवाने के लिए ब्लॉक में, उससे भी 500-1000 रुपये लोग ले लेता है। वो तो पढ़ने वाला लड़का था ना जी। ये भ्रष्टाचार इतने लेवल पर पहुंच गया है, राशन के दुकान पर जाइए, 2 रुपये का गेहूँ 3 रुपये में, 3 रुपये का चावल 4 रुपये में बिकता है। इसको कैसे बंद किया जाए? अब किसान की पांचवा मुद्दा, किसान पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, समस्या पता चलेगा तो उसका समाधान होगा। किसान यूरिया खरीदने जाता है मार्केट में, 350-400 जिसके जितना औकात होता है उतना ले लेता है दुकानदार, और सरकार उसका मूल निर्धारित करती है 265 रुपया। एक तरफ धान का मूल्य निर्धारण होता है 1650 रुपया और धान बिकता है 1200 रुपया में। सरकार ने दोनों रेटों को निर्धारण किया। व्यापारी का सामान महंगा बिकता है और किसान का सामान सस्ता बिकता है। क्यों? किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचती सरकार? यहाँ पर बाढ़ अगर नहीं आएगा तो आपदा प्रबंधन टीम की कमाई नहीं होगी, बांध नहीं टूटेगा, चूड़ा मीठा नहीं बटेगा, दरी तिरपाल नहीं बटेगा, रोड नहीं टूटेगा, तो इसमें सब में कमीशन मिलेगा। तो सोने का मुर्गी अंडा देने वाली जो है ना, वो बाढ़ यहाँ की स्थिति है। तो यहाँ की सरकार इस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहती है। एक अभी एक फिल्म था, हम लोगों ने देखा था कि हसीना मान जाई जी की एक फिल्म था, जिसमें परेश रावल जी सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका में होते हैं। गोविंदा जी कभी चाचा कभी भतीजा बन के आते हैं और बार बार कहते हैं परेश रावल जी, साहब जी जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। चाहे वो चाचा की सरकार हो, चाहे भतीजे की पापा की सरकार हो, इन लोगों ने बिहार को टॉप से बटन पे पहुंचाने का काम किया है। आज बिहारी नाम से अगर रिक्शा चालक किसी दूसरे देश, दूसरे राज्य में किसी भी राज्य का रिक्शा चालक हो तो उसको लोग बिहारी कह के उसको चिढ़ाता है।
कहीं मजदूर कहीं से चलता हो पलायन करके तो बिहारी करके कहा जाता है। क्यों? बिहार को मजदूर का हब बनाने वाला कौन है? ये 30-40 सालों के सरकार के नेता है और उन्होंने एक चौकड़ी बना रखी है। वो नेता मुख्यमंत्री, एगो उप मुख्यमंत्री, एगो विपक्ष का नेता और एगो केंद्रीय मंत्री, चार गो लोगों ने टीम बना ली है। आप घूम फिर के चार गो में से एगो को चुनिए। काहे वो को चुनिए? उन्होंने तो इस बार ऐसा कर दिया कि कोरोना काल में अब वर्चुअल रैली चलेगा, मतलब जनता के बीच में जाएंगे तो लोग जूता चलाएगा, वो जाएगा भी नहीं वोट मांगने के लिए। कोई नहीं जाएगा वोट मांगने के लिए, इसलिए कि उसने काम नहीं किया। क्या ये बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? इसमें बदलाव होना चाहिए। मैं जीतना हारना अलग की बात है, हम बिहार के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। क्या मुद्दों पे राजनीति नहीं होना चाहिए? हमको लोग वोट मत दें। बिहार में आकर के बिहार के मुद्दों पे बात करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ बिहारियों ने अपने खून और पसीने से सारी चीज़ खड़ा कर दी, जिसके बल पे राजधानी कहती है कि मैं हूँ दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, उसमें यहाँ के बिहारियों का जो योगदान है वहाँ के व्यवसायियों के लिए, वहाँ से उनको पैदल भगा दिया गया। उससे पहले उनको उनकी पलायन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया। भट्ट साहब जी, आपको पूरा नॉलेज ही नहीं है, आप पत्रकार हैं लेकिन नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज होता तो आप ये बात नहीं कहते। तो आप क्या कहें आपको? आपको कितनी नॉलेज आप बताइए। मैं बतलाता हूँ ना, उसके बारे में सूचना दे देता हूँ आपको, उसमें घबराने की जरूरत नहीं, मैं सूचना आपको दे देता हूँ। बिहार के मजदूरों ने जब वहाँ पे नौकरी किया, झुग्गी में रहता हो चाहे किराए पर, तो उन्हीं का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। बड़े बड़े रईसों के बेटे वहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं, उन्हीं के बच्चों को। और मैं पैदल चलने की बात कर रहा हूँ, मैं पैदल चलने की बात कर रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। आप वहाँ रखेंगे नहीं, यहाँ बिहार सरकार बॉर्डर पे कहेगी कि एंट्री नहीं करेंगे। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? इधर देखिए ना, बात करिए 1-to-1। आप मुझे बताइए कि बिहार के सरकार ने कितनी ट्रेनें दिल्ली से मंगवाई? दिल्ली के सरकार ने 117 ट्रेनें बिहार के लिए रवाना किया, जिसके अंदर 6,42,000 रुपया खर्च किया गया। यहाँ के नीतीश सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया था कि मैं बिहारियों को नहीं बुला सकता हूँ। आप जिस सुनिए, एक ट्रेन का 6,42,000 रुपया खर्च हुआ, आप उसको पता करिए। 100 बसें हमने वहाँ से भिजवाई, और इसलिए नहीं भिजवाई, और आपने कहा कि जो वहाँ से खदेड़ दिया, हमने नहीं खदेड़ा। फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांवा, सोनीपत, पानीपत, गाजियाबाद, बागपत, इसमें नया कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मजदूर वहाँ मजदूरी करते हैं, लेकिन ट्रेन पकड़ने के लिए उनको आनंद विहार ही आना पड़ता है। फरीदाबाद से कोई ट्रेन नहीं चलती, नोएडा से कोई ट्रेन नहीं चलती, तो जितने मजदूर थे यूपी सरकार ने भगाए हैं। दिल्ली में कौन सा नया कंस्ट्रक्शन होता है जरा मुझे बता दीजिए। दिल्ली तो बसा बसा शहर है, जहाँ पे लोग फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ लोग वहाँ दुकानों में काम करता है। किसी भी दिल्ली के लोग पैदल नहीं चले हैं वहाँ, यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, जो अगल बगल में कंस्ट्रक्शन के लेबर के रूप में काम करते थे, बिहार के लोग। एक और बात मैं आपको बताऊँ, बिहार का लोग पैदल नहीं चलता, क्योंकि उसको पता है कि 1,000 किलोमीटर हम पैदल नहीं जाएंगे, वो साइकिल से जरूर चला है। यूपी के लोग जरूर चले हैं पैदल, भगाया किसी ने नहीं है। वहाँ बिहार एक दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ एकलौता 150 सेंटर चलाए जा रहे थे, जहाँ लोगों को खाना मुफ्त में खिलाया जा रहा था। 150 जाके पता करिए आरटीआई लगा के, बिहार में कहीं एक सेंटर बताइए कहीं चला हो जहाँ लोगों को खाना खिलाया जाता हो। मैं इसलिए आपको कहा कि आप या तो पूरा उसको सुने नहीं है, नहीं तो लोगों को बताया नहीं है। आप मेरे से पूछिए, तीखा से तीखा सवाल पूछिए, लेकिन जवाब लीजिए। दिल्ली के सरकार ने शिक्षा पर काम किया, स्वास्थ्य पर काम किया, मजदूर पे काम किया, किसके लिए किया? मजदूर लोग 9,000 में जाता था वहाँ नौकरी करने के लिए, 13,500 मिनिमम वहाँ वेजेज किया। कौन लोग था वहाँ काम करने वाला जरा मुझे बताइए। 18,000 कर दिया सेकंड, जो थोड़ा सा टेक्निकल है उसका, जो थर्ड लेवल पे है उसका 24,000 कर दिया। वो कौन से लोग थे? मजदूर बिहार के ही तो जाता था वहाँ काम करने के लिए। तो जो दिल्ली के अंदर काम करने वाले लोग थे, उनको अगर इंश्योरेंस करने की बात आई तो मजदूरों का इंश्योरेंस भी किया गया कि कोई अगर एक्सीडेंटल किसी का डेथ हो जाता है कंस्ट्रक्शन में तो 3,00,000 रुपया, और यदि ऐसे नॉर्मल हो गया तो 1,00,000 रुपया, 50,000 रुपया उसको सिस्टम खरीदने का, मतलब कोई भी औजार खरीदना है, और 50,000 रुपया उसके बेटी के विवाह में, और 60 साल का हो जाएगा तो उसका कार्ड बना दिया गया है कि तुमको पेंशन मिलेगा 3,000 रुपया। दिल्ली के सरकार ने जो किया है, एक बार दिल्ली का समीक्षा करिए और दिल्ली के बारे में सोचिए। दिल्ली, मैं दिल्ली का बड़ाई करने नहीं आया हूँ, लेकिन बिहार की जो समस्या है, मत दे आम आदमी पार्टी को कोई वोट, नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी को वोट, लेकिन जिसको वोट दे रहा है उससे पूछे कि तुम ये काम कितने दिन में करोगे। अब पत्रकार के नाते आप मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई 70 को वादा 184 काम कैसे? महिलाओं को बस में यात्रा फ्री करना हमारा वादा नहीं था, 200 यूनिट बिजली फ्री देना हमारा वादा नहीं था, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना हमारा वादा नहीं था। इस तरीके के मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने लगभग 184 जन कल्याणकारी काम किया, जो मुद्दा से हट के 70 को मुद्दा पे काम किया, इसके अलावा काम किया। यहाँ जो काम होता है, रग रग में, नस नस में यहाँ भ्रष्टाचार बसा हुआ है। आप देखिए,
आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, क्योंकि मैंने शुरू में सुना आपको, अभी आपने एक बात कही कि हाँ सब लोग करप्ट है, जात पर राजनीति करता है, भ्रष्ट। एक नल जल योजना के अंदर जहाँ 70,000 वार्ड कम से कम बिहार में है, सब शहरी और ग्रामीण को जोड़ दिया जाए तो 1,25,000 वार्ड है, और इस 1,25,000 वार्डों के अंदर नल जल का योजना लगाने में एक छोटा प्राथमिक इकाई है वार्ड, वार्ड ने कम से कम 1.5 लाख रुपये का कमीशन खाया है। क्या सरकार को पता नहीं है, छोटा इकाई अगर 1 लाख खा रहा है तो बड़ा वाला कितना खाया होगा। यहाँ भ्रष्टाचार रग रग में है। एक तो बिहार की जनसंख्या 10% है, GST कलेक्शन 1.3% है, सबसे कम GST यहाँ कलेक्ट होता है, विकास कैसे होगा? और वो एक 1.3% जो GST है उसमें भी 50% से ज़्यादा लोग चोरी कर जाता है। बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़े? हम तैयारी कर रहे हैं भट्ट साहब, और जल्दी आपको सूचना देंगे। बलिया जैसे शाहपुर कमाल जैसा सीट मिलेगा तो आप मान के चलिए कितना तो जरूर लड़ लेंगे कि लड़ने के बाद बहुमत आ जाए, तीसरा विकल्प जरूर बनेंगे, क्योंकि ये चौकड़ी से पार्टी को निकालना है। हम जीते या हारे ही तो बात नहीं है। तीसरे विकल्प की भी तो घोषणा यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री ने किया है। देखिए, जिसको जो करना है वो करे, हम फूके हुए कारतूसों पर काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं यंग जनरेशन पर, एक विचारधारा पर। हम अपने पार्टी में जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस मतलब एक भी करप्ट आदमी को हम टिकट नहीं देंगे, एक भी भ्रष्ट आदमी को टिकट नहीं देंगे, जिसके ऊपर किसी भी करप्शन का चार्ज होगा हम टिकट नहीं देंगे। पढ़े लिखे युवाओं को और लोगों को हम आगे मौका दे रहे हैं। यदि अच्छा लोग आएगा तब ना अच्छा काम करेगा। आप मान लीजिए कि एक डॉक्टर आएगा तब ना वो सोचेगा कि अस्पतालों में क्या दिक्कत है, किसान आएगा तब ना उसको पता चलेगा किसानों की पीड़ा क्या है, एक मजदूर आएगा तब ना पता चलेगा कि मजदूरों की पीड़ा क्या है। तो हम अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, और आपको एकदम बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे साथी हैं। आप दूसरे पार्टी से पूछिए, वहाँ 90% करप्ट लोग हो जाता है तभी टिकट देता है। तो बिहार में क्या चाहिए, एक नया विचार चाहिए या करप्ट लोग चाहिए? क्योंकि नेता बदल जाता है, पार्टी बदल जाती है, नेता नहीं बदल जाता। 15 साल उसमें मंत्री रह लिए, 15 साल इसमें मंत्री रह लिए, आज जब लगा कि ये सरकार जाने वाली तो फिर उसी में चले गए। पुष्पम प्रिया कह रही हैं कि पिछले 30 साल से बिहार लॉकडाउन है। उनके पिताजी भी तो नेता थे ना, मंत्री तो उनके पिताजी रहे हैं, तो उनके पिताजी ने तो कभी आवाज़ नहीं उठाया। उनके पिताजी नेता थे या नहीं थे, सरकार के पार्ट रहे हैं कि नहीं रहे हैं? तो जो लोग सरकार का पार्ट रह के और बिहार को गर्त में पहुंचाने का काम किया है, वो लोग कोड़ा मतलब कोड़ा भाषण न दे। कोड़ा भाषण देना अच्छा नहीं लगता है। जिसके खून में रखा हो कि वो भ्रष्टाचार करेगा, वो क्या करेंगे बिहार पर बात जी? बिहार में तो ये व्यवस्था कर दिया कि गोली मारेंगे कपार में तब नौकरी देंगे तुम्हारे परिवार में। आप यही लगा रहे हो कि SC ST में से कोई मर जाएगा तो उसको नौकरी दे देंगे? पहले मरना पड़ेगा क्या नौकरी के लिए? इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। सड़ा हुआ व्यवस्था हो गया है बिहार का, जहाँ ठंडा का बोतल ठंडा कढ़ाई 2 रुपया लोग ले लेता है। इस बिहार को बदलना पड़ेगा, और भट्ट साहब बिहार आपका भी है मेरा भी है, और हम सब लोगों को बिहार बदलना चाहिए मिलकर। हम जीते हारे वो बहुत अलग। पिछले विधानसभा के फर्स्ट टाइम के वोटर, संसदीय चुनाव हुआ उसमें जो फर्स्ट टाइम हुए वोटर, और इस बार के जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, इनकी सोच कुछ अलग दिख रही है, क्या कहना है? बिल्कुल दिखना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जब तक हमारा राजा जो होता है ना, वो प्रजा का मुखौटा होता है। तो अगर हमारा राजा जो है वो बालिका गृह कांड करवाने में संलिप्त होता है, सृजन घोटाला कराने में संलिप्त होता है, चारा घोटाले में संलिप्त होता है, टॉयलेट घोटाले में संलिप्त होता है, तो वैसे प्रजा वैसे राजा से का मतलब है कि प्रजा भी कहीं ना कहीं संलिप्त है। अगर प्रजा ईमानदार है तो उसको ईमानदार और अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा। तो नया जनरेशन अगर ईमानदार है तो उसको नया विकल्प ढूंढना चाहिए, कोई संशय नहीं। जो भी उसको नज़र में लग रहा है कि अच्छा है उसको ढूंढे, लेकिन इस सारे विकल्पों से आगे निकलना पड़ेगा। ये चौकड़ी ने पीछे 40-50 सालों में बिहार को टॉप से वटन पे पहुंचाने का काम किया है, और आज बिहार की जो पीड़ा है, छटपटाहट है, मैं भी बिहारी हूँ, अभी बिहारी है। आप सोचिए, रोड का ठेका लिया जाता है कि बिहार के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचिए, और मैं आपको रोड एक बतला रहा हूँ, कुरसेला से मधेपुरा चले जाइए 5 घंटे में पहुँच के दिखा देंगे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। कुरसेला से जाइए मधेपुरा, एक जिला से दूसरे जिला में जाना है। अब बिहार की बात करते हैं, 31 नंबर हाईवे है ना, 13 NH है, 31, 107, 131 जाकर देखिए, खगड़िया मधेपुरा सहरसा कटिहार, एक भी जिला में जाकर दिखा दीजिए कि रोड बना हुआ हो। रोड का लोग चैलेंज करता है ना, मैं तो कहता हूँ चैलेंज कर रहा हूँ आपके TV के माध्यम से, जो जरा इनका पथ मंत्री जो है, पथ निर्माण मंत्री, आके मेरे से डिबेट करें और बताएं कि उसने कहाँ कहाँ रोड बनाया है। बिहार के अंदर दोनों सरकारें इनकी है, केंद्र में भी सरकार है, पिछले 6 सालों से सरकार है। जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है कि 15 साल तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमको सजा मिल गई, और ये 15 साल से लोग उबे हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति, इस तरीके का सिचुएशन में आम आदमी पार्टी या उनके जो सहयोगी पार्टी हो सकते हैं। पुनः आपसे एक बात कर रहा हूँ,
कि अगर अलग चलिएगा, अलग है तो अलग दिखना भी जरूरी है। 15 साल उनके पिताजी ने तो बिहार को बर्बाद किया, जंगल राज चाहे जो भी था, 15 साल उन्हीं के पिता न थे, उनके परिवार में अब परिवार नहीं संभल रहा है, भाई एक अलग दिशा में चल रहा है, बहन एक अलग दिशा में चल रही है, माँ एक अलग दिशा में चल रहे हैं। उनके पार्टी के सबसे बढ़िया वरिष्ठतम नेता ग्रामीण मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने इतना अच्छा बिहार में काम किया, आज वो भी पार्टी के साथ छोड़ चुके हैं। तो पार्टी में जो परिवार की पार्टी हो गई है ना, उससे बिहार को निकालने की जरूरत है। परिवार के पार्टी में बिहार नहीं उलझेगा, और मुझे लग रहा है इस बार भरोसा है कि बिहार का जो युवा है वो जात पर और धर्म पर और परिवार पर वोट नहीं देगा, वो अगले नए सोच पर वोट देगा। और मुझे कॉन्फिडेंस है अगर मौका मिला, एक तो कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रजातंत्र की लूट हो जाएगी, क्योंकि जब तक हम विपक्ष की खामियों को नहीं गिना पाएंगे, अपने बातों को लोगों तक पहुँचा नहीं पाएंगे, तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र का एक खासियत होता है कि उत्सव होता है 5 साल में, तो चुनाव समय से नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं। आप देखिए कि पूरे बिहार में कोरोना एक तरफ रफ्तार पकड़ा हुआ है, पूरा तेज़ी से बढ़ रहा है। बिहार के डॉक्टर मरने का रेशियो जो है देश के रेशियो से बहुत अलग है, 0.5% देश के डॉक्टर मरता है कोरोना काल में, और बिहार में 3.5% मरता है। यहाँ तो 1150 के आसपास में सरकारी अस्पताल सिस्टम है, डॉक्टर हैं, उनको पीपी किट नहीं मिलता है, और 1.25 लाख बताइए कि बूथ बनाया जा रहा है, और 1.25 लाख बूथ पे अगर 10-10 आदमी काम करने जाएगा तो 12.5 लाख पीपी किट कहाँ से आएगा, 1.25 लाख थर्मल स्कैनिंग कहाँ से आएगा, उतना कहाँ से आएगा, मतलब सारा व्यवस्था हमको तो समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब कि खौफ में डालकर लाशों की ढेर पर चुनाव कराना सरकार चाहती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे चुनाव आयुक्त हो। मेरा रिक्वेस्ट है सभी सरकारों से कि चुनाव इस काल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाशों के ढेर पर चुनाव शोभा नहीं दे रहा है। कोई ऐसा आपदा नहीं आ गया है, 6 महीना राष्ट्रपति शासन रहेगा, थोड़ा सा स्थिति सामान्य होगी तो फिर चुनाव कराइए, चुनाव में जाइए, चुनाव तब होना चाहिए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर डिबेट होना चाहिए, और एक बिहार का नागरिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते देखिए, राजनीति समाज सेवा होना चाहिए, व्यवसाय नहीं होना चाहिए। आज की राजनीति व्यवसाय बन गई है। आपने जो प्रजातंत्र की बात कही, आपको लगता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अब हिंदुस्तान में कोई मनरेगा में काम करने वाला मजदूर भी प्रतिनिधित्व कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी में एक होप है, जहाँ पर दिल्ली में आपने देखा कि एक छोला कुलचा बेचने वाली की बेटी राखी बिरलान वहाँ पर मंत्री भी बन जाती है, एक पंचर लगाने वाले का बेटा प्रवीण देशमुख विधायक बन जाता है, एक किसान का बेटा संजीव झा जाके वहाँ विधायक बन जाते हैं, एक ढाबा चल, सुनिए जनरल बातें मैं बोल रहा हूँ आपसे, जनरल, और मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, पार्टी कहीं ना कहीं पूरे देश में है, और मैं कौन हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ जो सुबह 2 घंटा खेत में खटता था, फिर दोपहर में पढ़ने जाता था, और शाम के आकर अगर यदि जरूरत पड़ती थी तो वही खेत का उगाया हुआ सब्जी या फसल बाजार में बेचने जाता था, भैंस बैल भी खिलाना पड़ता था, गाय भी खिलाना पड़ता था, और दुख दर्द समझना पड़ता था। तो हम लोग गाँव के लोग हैं, एक साधारण परिवार, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीतिक, और मेरे परिवार इस परिवार में मेरे पिताजी किसान थे, फिर बीच में जब समस्या हुई तो बीच में जाके दिल्ली में काम कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड का भी उन्होंने काम किया। एक साधारण परिवार का लड़का अध्यक्ष बन सकता है किसी पार्टी में, आप बताइए कि कोई ऐसा पार्टी हो जिसके अंदर इतने छोटे तबके के किसी आदमी को उठाकर अध्यक्ष बना दिया गया हो। तो हमारे पार्टी में एक संभावना है जहाँ एक आम आदमी सोच सकता है कि हमको टिकट मिलेगा, और उसको टिकट मिल भी रहा है और जीत भी रहा है। आप देखिएगा जब हम चुनाव लड़ेंगे, जब हमारा टिकट बंटवारा होगा, तो आपको दिखेगा कि हम कैसे कैसे आम लोगों को चुनाव लड़ाए हैं, क्योंकि यहाँ टिकट व्यवसाय नहीं है, यहाँ टिकट समाज सेवा है। जो अच्छे लोग जाएंगे तो वहाँ पर बैठ के बात करेगा बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार जी, जिन्होंने बड़ी स्पष्ट तरीके से हर बिंदु पे चर्चा किया और सीधे तौर पे कहा कि चुनाव अभी होने का वक्त नहीं है, चुनाव के लिए कुछ और इंतज़ार करने चाहिए थी, क्योंकि विपक्षियों को अपनी बात रखने का भरपूर मौका नहीं मिल पाएगा। तो अब बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार के साथ।